Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Mehak Agarwal and I'm working as a cabin crew in Indigo Airlines. So in today's video, we will be talking about my journey of becoming a cabin crew. So it all started from the movie Nirja Banot. जब मैंने वो मूवी देखी तो उसके बाद ना मुझे लगा कि मुझे भी कैबिन क्रू बनना है. मैंने अपना इंटरव्यू एग्जैक्ट 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में दिया था इन द मंथ ऑफ आई गेस जून. तो मेरा बर्थडे था मई में और मैं ड्रीम कर रही थी बस जल्दी से मेरा बर्थडे हो जाए और उसके बाद मुझे इंटरव्यू देना हो. फिर वो दिन आया जब मैं इंटरव्यू अपना पहले दिन देने गई थी. मेरी मम्मी ने मुझसे ज़बरदस्ती भेजा था कि जाओ देख करके तो आओ कैसा होता है. यू जस्ट नाउ कम्प्लीटेड 18 ईयर्स एंड नाउ यू आर एलिजिबल ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू. तो मैंने उस दिन जा कर के दिया. मुझे पता चला इंटरव्यू इंडिगो करियर्स वेबसाइट से. मैंने वहाँ पर देखा कि कल इंटरव्यू है. मैं सारी रात में तैयारियाँ करना शुरू कर दी एंड मैंने अपनी फ़ोटोज़ निकलवा ली, CV बनवा लिया. बट जब मैं फर्स्ट डे गई तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं आता था मेकअप करना कि मेकअप कैसे करते हैं, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ HR, मुझे कुछ भी नहीं पता था. बट मैं जब पहले दिन गई, मैंने फर्स्ट राउंड दिया, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उस इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी. थोड़ी सी निराशा तो हुई थी बट मम्मी ने बोला था कि कोई बात नहीं, जा कर के देख कर के आओ कि कैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने. आप दूसरे का कंपटीशन देखोगे तो आपके अंदर से भी वो आता है अंदर से कि मेरे को भी इंटरव्यू देना है और मुझे भी एक क्रू बनना है. और जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो देर वर अराउंड 200-300 गर्ल्स जो मुझसे भी ज़्यादा प्रिटी थी और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आई थी. फर्स्ट राउंड दिया, उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. मैंने उन सबको आंसर किया बट मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पर. मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आंसर करूँ. मैं शिवर कर रही थी लिटरली. फिर मैं घर आ गई. फिर उसके बाद में मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे और वो लोग जो क्राइटेरिया को देख करके एक कैबिन क्रू को सिलेक्ट करते हैं. कई सारे वीडियो देखने के बाद में, कई सारे यूट्यूब वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद में मुझे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पर. फिर मैंने 2 महीने बाद में फिर से इंटरव्यू दिया. जब मैं फर्स्ट राउंड क्लियर किया, आई वॉज सो एक्साइटेड. मम्मी को कॉल लगाया कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है. सेकेंड राउंड था BMI, जिसमें मेरा BMI एकदम करेक्ट था. BMI चेक कराने के बाद में वहाँ पे कुछ अल्फाबेट लेटर्स लिखे हुए थे, वो चेक करना था ताकि उनको पता चले कि मेरी विजन 6x6 है. मैंने वो सब क्लियर कर लिया. उसके बाद में सेकेंड राउंड भी जैसे तैसे क्लियर हुआ. थर्ड राउंड में देर वॉज ग्रुप डिस्कशन जिसमें 10 लड़कियाँ थीं एंड उसमें भी लकीली आई गॉट सिलेक्टेड. उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वॉट यू प्रेफर, जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली. आई प्रेफर जॉइंट फैमिली. मैंने अपना आंसर उसी को लेकर के दिया दैट आई लव जॉइंट फैमिली एंड वॉट ऑल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड इन अ जॉइंट फैमिली. फिर उसके बाद में मुझे थोड़ी देर के लिए बैठाया गया और बोला कि आप वेट करिए कुछ टाइम के लिए. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी उस टाइम तक कि अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड देन फिर एक HR बाहर आती है, उन्होंने बोला कि महक यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू कम फॉर दिस फोर्थ राउंड एंड लास्ट राउंड. वो जो लास्ट राउंड था वो था वर्चुअल. मैंने वर्चुअल में बहुत गंदा किया था. मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे. बट एट दी एंड उन्होंने मुझे फिर से बैठा करके रखा और बोला कि कुछ टाइम का वेट करिए, अभी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं. फिर उनका एक PhD राउंड होता है जिसमें कुछ लड़कियां सिलेक्ट हुई थी जिनको एक अलग से लिस्ट बना के दिया गया था. ये वर्चुअल सेशन होता है जिसमें वो आपकी इंग्लिश करेक्ट करते हैं, आपका वर्क असाइनमेंट देते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है. उन्होंने कुछ लड़कियों के नाम अनाउंस करे जिनको उन्होंने PhD दिया था. मुझे लगा कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है. मैं PhD राउंड में भी नहीं जा पाई और शायद उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी नहीं किया. बट एक होप में बैठी हुई थी कि हो जाएगा, शायद हो जाएगा.
फिर कुछ समय बाद में जब सबके इंटरव्यू हो गए, सब क्लियर हो गया, पीएचडी वाले जा चुके थे, कुछ लड़कियां हम लोग साथ में बैठी हुई थी, फिर एचआर बाहर आई, उन्होंने बोला कि कुछ नाम अनाउंस कर रही थी कि यू आर सिलेक्टेड, और फिर मैंने जब अपना नाम सुना, आई वॉज लिटरली शॉक्ड, आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज क्राइंग, बिकॉज जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया था उस टाइम पे. एंड आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि क्या मैं तैयार हूँ इसमें जाने के लिए. फिर मैं रोते हुए घर आई, हम लोगों ने वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी, पेपर वर्क किया, फिर मैं घर आ गई, घर नहीं आई थी मैं, सॉरी, मम्मी के ऑफिस गई थी. मम्मी को ऑफिस में बताया जाकर कि आई गॉट सिलेक्टेड. फिर उसके बाद में हम लोग का एक मेडिकल राउंड होना था, मेडिकल राउंड हुआ, फिर उसके बाद में मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई. उस दिन से मैंने ये सीखा कि अंडर कॉन्फिडेंट रहूँगी किसी चीज़ में तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा. एंड वही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो सो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, और यू कैन इंस्टाग्राम मी ऑन महक अग्रवाल 04. टिल देन, बाय.